विजयादशमी पर्व पर बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते आज बाबा महाकाल की सवारी धूमधाम से निकाली गई। अपराह्न 4 बजे महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट से अपनी प्रजा का हाल जाने नगर भ्रमण पर निकले, तो प्रजा ने भी अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछा कर स्वागत किया। सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने भगवान महाकाल का समी के वृक्ष से पूजन किया। इसके बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह मंच बनाकर बाबा महाकाल का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। में राजा के स्वरूप में दशहरा मैदान पर जा रहे हैं, वहां पर बाबा महाकाल की समी वृक्ष की पूजन होगी। पूजन के पश्चात समी के पत्ते बाबा महाकाल पर चढ़ाए जाएंगे। समी के पत्ते चढ़ाने से बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। समी का जो वृक्ष है काफी सिद्ध और प्रसिद्ध वृक्ष माना गया है, इसलिए इसकी पूजन आज के दिन की जाती है। जय महाकाल। विजयादशमी पर्व पर उज्जैन शहर में अलग अलग स्थानों पर 101 फीट ऊंचे 3 रावणों के पुतलों का दहन किया। सभी जगहों पर रावण दहन से पूर्व भव्य आतिशबाजी भी आयोजकों द्वारा की गई थी। इसी क्रम में विजयादशमी के अवसर पर शनिवार को उज्जैन के दशहरा मैदान में रावण के पुतले का दहन हुआ। इस कार्यक्रम से पहले रंग बिरंगी आतिशबाजी ने उपस्थित हजारों दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजन समिति के मनीष शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष रावण का दहन किया जाता है, लेकिन इस बार रावण जनता से अपील कर रहा है कि मुझे तो मोक्ष प्रभु श्री राम जी के द्वारा मिल चुका है, लेकिन आपके अंदर बैठे रावण का कब अंत होगा। दशहरा मैदान पर 101 फीट ऊंचे रावण का पुतला तैयार किया गया था। शाम होते ही मैदान हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम 7 बजे बाबा महाकाल की सवारी दशहरा मैदान पर पहुंची। यहाँ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, SP प्रदीप शर्मा ने महाकाल का पूजन किया। सवारी के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी ने रावण से युद्ध का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया।
जिसमें भगवान राम ने अग्नि तौर पर रावण के पुत्र को आग के हवाले कर दिया। स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव राम भैया की स्मृति में रावण दहन किया गया। तो समिति के सचिव ने बताया कि इस वर्ष 101 फीट रावण का निर्माण किया गया था। ग्वालियर शिवपुरी के कलाकारों आतिशबाजी भी की गई। आचार्य देव गुरु बृहस्पति महाराज के पाल की परंपरा अनुसार कार्तिक मेला परिसर पहुंची, यहां पूजन किया गया। हजारों की संख्या में दर्शक इस आयोजन के साक्षी बने। इसके अलावा भैरवगढ़ क्षेत्र में श्री राम नवयुवक मंडल की ओर से 101 फीट का रावण दहन किया गया। यहाँ रावण दहन का 27वां वर्ष है। यहाँ भी रावण दहन से भव्य आतिशबाजी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन के ग्राम निनोरा में कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र की एक और नवीन इकाई मेसर्स प्रतिमा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण किया गया, जो कि औद्योगिक विकास के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इकाई का भ्रमण कर आधुनिक मशीनों का अवलोकन किया और महिला कर्मचारियों से चर्चा की। मेसर्स प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा ग्राम नवाखेड़ा उर्फ कराड़िया में 18 एकड़ भूमि कपड़ा एवं परिधान के विनिर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है, जिस पर इकाई द्वारा लगभग राशि 85 करोड़ राशि का निवेश किया जा चुका है, जिसे मार्च 2025 तक राशि रुपए 145 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा मेसर्स प्रतिभा स्वराज प्राइवेट लिमिटेड ने आगामी वित्तीय वर्ष रुपए 200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की परियोजना भी तैयार की है। इस इकाई से जिले में लगभग 3500 से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होंगे, जिसमें 80% से अधिक महिलाओं की भागीदारी होगी, जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के दौरान स्वराज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित सीमलेस निटिंग मशीन का शुभारंभ किया, जो इंडस्ट्री 4.0 के मानकों पर आधारित सीमलेस कपड़े जैसे स्विम वेयर, योगा वेयर, नाइट वेयर, मेडिकल वेयर आदि का विनिर्माण विभिन्न वर्गों के लिए इकाई द्वारा किया जाएगा। मौज और आनंद के बीच हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है, और वह निर्णय किया है कि दशहरे के अवसर पर रावण दहन से केवल दशहरा नहीं मनना चाहिए, दशहरे के अवसर पर शस्त्र की पूजा भी होना चाहिए। हमारी सरकार ने इसको शुरुआत की है और पूरी सरकार जुड़ी है। सरकार के माध्यम से हमने अहिल्या महारानी को याद किया। जब मैं इस कॉटन इंडस्ट्री के माध्यम से आपके बीच रेडीमेड गारमेंट्स खड़ा हूं, तो मुझे इस बात को स्मरण करते हुए धन्यवाद भी देना पड़ेगा हमारी आदर्श शासिका। हमारी बीच में बहन बेटी क्या काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश से बढ़कर पूरे देश में कहां होगा, जहां 300 साल पहले हमारी रानी अहिल्याबाई ने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के संचालन के उस कठिन दौर में जब मुगलों का शासन चल रहा था, जगह जगह पास पास के राज्यों में युद्ध हो रहे थे, ऐसे युद्ध के बीच में भी पेट पालने के साथ रोजगार दिलाने का अभियान उनने प्रारंभ किया। इसलिए माहेश्वरी साड़ी का उनने उद्योग चालू किया, यह अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने उस उपक्रम में जोड़ा था। आज ही प्रतिभा सिंटेक्स की एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें 5000 मजदूरों को काम मिलेगा, मैं ऐसे अवसर पर दशहरे की शुभकामना के साथ उज्जैन और उज्जैन जिले के विकास के मामले में सरकार गंभीर है, क्योंकि आने वाला विश्व का सबसे बड़ा मेला जो सिंहस्थ 2028 में आएगा, सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है और उसके सिलसिले में लगातार विकास के काम करती जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मिलन उत्सव में 658 करोड़ की 16 विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्तिक मेला ग्राउंड उज्जैन में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में लोक निर्माण से लोक कल्याण के उद्देश्य से उज्जैन में 658 करोड़ से अधिक के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया।
इनमें प्रमुख रूप से 225 करोड़ रुपए की लागत से हरिफाटक लाल पुल मुल्लापुरा फोर लेन मार्ग शंकराचार्य चौराहा से चंदूखेड़ी टू लेन आर ओ बी शिप्रा पर टू लेन ब्रिज सहित फोर लेन मार्ग 67 करोड़ की लागत से उज्जैन बड़नगर बाईपास टू लेन मार्ग निर्माण कार्य एनएच 148 का छुटा हुआ भाग 22 करोड़ की लागत से बड़ौदा कलसी नागदा से दोत्रू मार्ग का निर्माण 31 करोड़ की लागत से नागदा गिद्धगढ़ विदखेड़ा मोकड़ी मार्ग 35 करोड़ की लागत से तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग 32 करोड़ के लागत से राला मंडल कांकरिया चिराखान लेकोड़ा जिरेलिया बारोदा हमीरखेड़ी उमरिया मार्ग 30 करोड़ की लागत से लालपुर से चिंतामण गणेश मंदिर 38 करोड़ की लागत से बड़ा पुल रणजीत हनुमान मोजम खेड़ी मार्ग 64 करोड़ की लागत से बांकड़ पर पुल से दाऊद खेड़ी 78 करोड़ की लागत से करोहन नाईखेड़ी पंचकोशी मार्ग 2 करोड़ की लागत से खासरोद बड़नगर बाईपास सेदरी से बड़ौदा मुरानाबाद से बेड़ावनिया रतलाम खासरोद का शेष भाग का मजबूतीकरण 13 करोड़ की लागत से सदावन हेलीपैड निर्माण 2 करोड़ की लागत से जहांगीरपुर से चामुंडा माता मार्ग आदि कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित दशहरा मिलन उत्सव 58 करोड़ की 16 विकास परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टैटवाल सांसद अनिल फिरोजिया राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज पूर्व मुख्य केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया विधायक कालूहेड़ा तेज बहादुर सिंह चौहान जितेंद्र पंड्या महापौर मुकेश टटवाल नगर निगम सभापति कलावती यादव बहादुर सिंह बोरमुंडला विवेक जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि जन समुदाय उपस्थित था। आज के इस अवसर पर अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए दशहरा के लिए हमने योजना बनाई कि अगर दशहरा मिलन करेंगे तो दशहरा मिलन खाली हाथ नहीं होना चाहिए, दशहरा का तो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो दशहरा मिलन अपना खूब जोरदार हुआ है। आज 5000 लोगों का रोजगार का बड़ा कारखाना प्रतिभा सिंटेक्स के माध्यम से लगभग 350 करोड़ से ज्यादा का पूरा एक अपना कारखाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले हमारे कारखाने हीरा मिल, विनोद मिल, विमल मिल, टेक्सटाइल मिल, बाबा भारती, आपको तो याद होगा, हमने से कई लोगों का याद, लेकिन सब मिला के 7000-7.5 हजार लोगों को इसमें रोजगार मिलता था। लेकिन अकेले 2 बेस्ट एंटरप्राइजेस और प्रतिभा सिंटेक्स जो चालू हो गए, ये दोनों 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे अकेले अपने 2 कारखाने, और बाकी कारखाने अभी सब जोड़ हुआ तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने उज्जैन में रोजगार प्रत्यक्ष देंगे। आज लगभग 700 करोड़ से ज्यादा कामों का उज्जैन उत्तर और दक्षिण के साथ साथ हमने उज्जैन जिले के विभिन्न कामों का आज भूमि पूजन लोकार्पण किया है। संघर्ष को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार न केवल उसकी तैयारियां कर रहे हैं बल्कि समय के साथ साथ वो सारे कार्य पूरे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जिसकी संघर्ष को आवश्यकता है, उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आज खुशी की बात है कि लगभग 656 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन यहां पर उज्जैन की धरती पर हुआ है। इसके अलावा लगभग 5.5 हजार करोड़ के काम ऐसे हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं, उन पे भी काम प्रारंभ हो रहा है। अकेले एक मार्ग ही 5000 करोड़ का ग्रीनफील्ड रोड है, वो तैयार हो रहा है। हम कह सकते हैं कि संघर्ष के लिए उज्जैन न केवल पूरे तौर पर तैयार हो रहा है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक जब यहाँ पर आएंगे तो ये महसूस करेंगे कि उज्जैन में जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी उससे बेहतर रूप में उज्जैन दिखाई दे रहा है। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर शारदीय नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नित्य प्रतिदिन माता रानी का भव्य आकर्षक श्रृंगार किया गया। पंचमी एवं अष्टमी पर 56 भोग लगाकर महाप्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित सुनील चौबे और राजेंद्र शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर समिति द्वारा नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक व सामाजिक कार्य किए गए, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन माँ चामुंडा माता का आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई और लगातार 9 दिनों तक सुबह से शाम तक प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें खीर एवं फरियानी खिचड़ी फल फ्रूट आदि वितरण किए गए एवं नवरात्रि के समय पर
नवमी की रात्रि में हवन पूजन कर नवरात्रि महोत्सव का समापन किया गया। 20 अक्टूबर को कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी क्षेत्र की बालिकाएं प्रतिवर्ष भोजन प्रसादी ग्रहण करने आती हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित शरद चौबे, पंडित चौबे, पंडित निखिल चौबे, पंडित वेद चौबे, राजेंद्र शाह, पंडित वरुण पांडे, पंकज सूर्यवंशी, सोनू ठाकुर, रमेश तेमानिया आदि बड़ी संख्या में मंदिर समिति के सदस्य उपस्थित रहे। आज नवरात्रि की नवमी के अवसर पे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ चामुंडा माता मंदिर में हवन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और माई से कामना है कि सुख शांति बनी रहे, पूरे शहर का कल्याण हो, और ऐसे ही आशीर्वाद माई का हम सब पर बना रहे। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मैं प्रतिदिन यहाँ नित्य श्याम आरती करता हूँ। रविवार को उज्जैन में लगातार बारिश हो रही है और 27 जिलों में बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 46 जिलों से मानसून लौट चुका है, लेकिन 2 सिस्टम फिर से एक्टिव हो गए हैं। उज्जैन शहर से विदा हो चुका बारिश का मौसम एक बार फिर सक्रिय हुआ। 2 दिन से बादल छाए रहे। रविवार अल सुबह बादल छाने के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई, जो रुक रुक कर बारिश अभी तक लगातार जारी है। अचानक मौसम बदलने से ठंड का एहसास होने लगा। रविवार अल सुबह करीब 4 बजे से हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। वेदशाला में अधिकतम तापमान 35 से 30 डिग्री दर्ज किया गया। शाजापुर जिले के ग्राम पनवाड़ी में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों गुटों के बीच लाठी डंडे चले, विवाद में गोलीबारी भी हुई। गोलीबारी में 3 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक व्यक्ति को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। पनवाड़ी में अभी भी स्थिति बनी हुई है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस विवाद की शुरुआत 3 दिन पहले ही हो चुकी, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दूसरे गुट ने आज फिर एक मत होकर हमला कर दिया। उसके बाद दोनों गुट फिर आमने सामने हो गए। 2 गुटों का यह विवाद पाटीदार और बंजारा समाज में तब्दील हो गया। एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने बताया कि सुनेरा थाने के ग्राम पनवाड़ी में पुराने विवाद के चलते बंजारा और पाटीदार समाज के लोगों में मारपीट हुई है। 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। अभी शांतिपूर्ण स्थिति है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात है। ये थाना सुनेरा के पनवाड़ी ग्राम का मामला है, जहाँ पर कुछ लोगों में विवाद हुआ था। इसमें कुछ बंजारे थे और कुछ लोग पाटीदार समाज के थे, जिनका आपस में पुरानी बातों के लेके विवाद हुआ था, और दोनों पक्षों में 3-4 लोगों को चोटें भी आई है, जिनका मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल शाजापुर भेजा गया है और फरियादी थाने पे गए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, और पुलिस एहतियातन यहाँ पर कस्बे में लगाई गई है अलग अलग पॉइंटों पर। अभी पूरी तरह से शांति है और पुलिस अभी उपस्थिति है।
शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ ही शहर में जगह जगह कन्या भोज और भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन के बिलोटीपुरा स्थित माँ चामुंडा मंदिर में 9 दिनों तक माता की आराधना के साथ कन्याओं द्वारा गरबे से भक्ति की गई। अंतिम दिवस नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ 151 बटुकों को भोजन कराकर सम्मान किया गया, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। किन्नर सपना ने बताया कि बिलोटीपुरा में स्थित माँ चामुंडा माता मंदिर पर घट स्थापना कर नवरात्रि महोत्सव कई वर्षों से मनाया जा रहा है, साथ ही यहाँ पिछले 40 वर्षों से कन्या पूजन कर महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन मंदिर में हवन पूजन के साथ कन्या भोज का आयोजन किया गया। यहां 9 दिनों तक मंडल के तत्वाधान में कन्याओं ने गरबे के माध्यम से भक्ति की। नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ 151 बटुकों को भोजन प्रसादी कर सम्मान किया गया। ये माँ चामुंडा का मंदिर है, कई वर्षों पुराना है। 40 वर्षों से यहाँ पर माँ की आराधना की जा रही है सपना आंटी किन्नर द्वारा, और यहाँ पर बटुक और कन्या भोज दोनों किया जाता है। 9 दिन माँ की आराधना की जाती है, माँ की पूजा की जाती है, गरबे होते हैं, और जो भी भक्त आते हैं वो माता जी से आशीर्वाद लेते हैं माँ चामुंडा का सपना आंटी किन्नर द्वारा। और यहाँ कई वर्षों से भंडारा किया जा रहा है, पूरा नगर भोज होता है, भंडारा नहीं, सभी जो भी आता है सब भोजन पाता है। बटुकों की अलग से व्यवस्था रहती है भोजन की। इस आयोजन में दीपेंद्र सरवाल, विकास साहू, मुबारक भाई, विशाल खटीक, सतीश व्यास, मोहम्मद शेख, अनिल शर्मा, ललित सोनी, कन्हैया मधुरिया, संतोष जोशी आदि मित्र मंडली का विशेष सहयोग रहा। किन्नर गुरु सपना ने बताया कि आयोजन माता की आराधना और समाज में एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि माता की कृपा से ये आयोजन सफल होता है और समाज में शांति और समृद्धि का संचार होता है। ये 40 साल से हो रही है माता जी भंडारा कर रहे हैं। 9 दिन की आराधना करते हैं माता जी, फिर भंडारा करते हैं। माता जी सेवा पूजा करते हैं, भक्तों का काम करते हैं, दुखी का दुख काटते हैं, दुख निवारण होता है, सेवक लोग आते हैं।